हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, इस बात में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि बिहार का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट और जहां से सबसे ज़्यादा यात्रियों की संख्या है वो पटना एयरपोर्ट है, और हमारी सरकार भी इस बात को मानती है। और पटना एयरपोर्ट के विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए बार बार तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। चाहे हम बात करें इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की, या फिर इसी एयरपोर्ट के समानांतर बिहटा में एक नए एयरपोर्ट बनाने की। लेकिन दोस्तों, हमारी भारत सरकार ये भी चाहती है कि पटना एयरपोर्ट को भूला ना जाए, बल्कि इसका भी विस्तार किया जाए। और दोस्तों, इसी बात को लेकर जब हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, तो उन्होंने पटना एयरपोर्ट के विकास के लिए कुल 49.5 एकड़ जमीन की मांग की। और यहां पे यह कहा गया कि यदि यहां पे इतनी जमीन मिल जाती है तो निश्चित तौर पे पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू हो जाएंगी। पटना एयरपोर्ट सिर्फ नाम का इंटरनेशनल नहीं रह जाएगा, बल्कि सचमुच में यहां से विदेशी फ्लाइट्स उड़ेंगी और विदेशी फ्लाइट लैंड करेगी। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि पटना एयरपोर्ट के लिए जिस जमीन की मांग की गई है वो चिड़ियाघर के अंतर्गत आता है, और जब तक जो पटना का चिड़ियाघर प्रशासन है वो इसकी अनुमति नहीं देता है, तब तक बिहार सरकार इसका अधिग्रहण नहीं कर पाएगी और पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।